मुझे इसका वाजिद साहब, जो सदर से डार साहब की मुलाकात हुई है उसमें कोई फॉलो उसमें तो जो है ये रुपये पैसे की बातें हुई हैं इकॉनमी की और बड़े मियाँ साहब का प्लान कोई मुझे अभी तक मियाँ साहब वापसी साहब लेकिन उम्मीद है कि वो दुआ भी है कि इस साल के आखिर तक जो है वो वापस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। फौरी तौर पर ड्यू टाइम जो भी उसका प्रोसेस है। लेकिन जी मैं जो चीज़ें जो हैं इस तरह के जो फ़राइज़ हैं चाहे सदर के हैं या वज़ीर आज़म के हैं उनको मुल्क और कौम के बेस्ट इंटरेस्ट में फ़ैसले करने चाहिए और कानून और आइन जो है सियासत से क़ता नज़र कानून और आइन और अपने अजीज़ के जो मफादात हैं उसके मुताबिक होने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात ये भी हो रही है कि एक कोई किसी कबीना के बंदे की अपॉइंटमेंट है जी कि जो पॉलिटिकल कंसीडरेशन। अच्छा खैर साहब, ये बातें भी हो रही हैं कि एक पहले समरी आई जिसमें चार नाम थे उस पर एतराज़ किया गया। कतई तौर पर गलत है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भाई हैं, बेटे हैं, एक ही बरदरी एक ही उसके हिस्सा हैं, सियासतदान भी और मीडिया की मीडिया ने मैं इसमें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी स्पेकुलेशन की है और उसमें कुछ जो है वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना उनको रिप्रेजेंट मीडिया करता रहा है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को पार्टीजन नहीं होना चाहिए, मीडिया को सियासी जो धड़ेबंदियाँ हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, पब्लिक के लिए कि इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो है अपना देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। सर कहाँ आपको महसूस हुआ कि पार्टीजन मीडिया इसको शो कर रहा है? ये जो अभी आपने कहा है जी कि ये तक सवाल आपसे पूछा क्लैरिटी के लिए सवाल को ये इसकी देखें ये कोई इस तरह का सियासी सियासतदानों में सब ये चीज़ें होती हैं जी सर, सियासी प्रोसेस में होती हैं, लेकिन एक अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट भी फौज के सरबराह की अपॉइंटमेंट है, उसमें इस किस्म की लूज डिलीवरीज जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। वाजिद साहब, जो सदर से डार साहब की मुलाकात हुई है उसमें कोई उसमें तो जो है ये रुपये पैसे की बातें हुई हैं इकॉनमी की और बड़े मियाँ साहब का प्लान कोई मुझे अभी तक मियाँ साहब वापसी साहब लेकिन उम्मीद है कि वो दुआ भी है कि इस साल के अवाखिर तक जो है वो वापस आए।